हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और अभी चल रहा है गणेश चतुर्थी का सीजन, तो हम आए हैं वीडियो बनाने और आपको पूरा बिलासपुर का भ्रमण कराएंगे, कहां कहां सबसे बेस्ट बैठा है गणेश। तो ये है, सबसे पहले हम पहुंचे महिला पुलिस थाना बिलासपुर का और वहां के आप गणेश देख सकते हैं। सेकेंड उसके बाद हम आ गए मध्य नगरी चौक पे आए हैं, जो रास्ते पे पड़ता है, तो वहां का आप देख सकते हैं कि कितना मस्त सजावटी सामान किए हुआ है और बहुत अच्छा दिख रहा था। तो वहां हमने अच्छे से पहले वीडियो बनाया और आपको अच्छे से दिखाया कि जो एक जाता है मध्यनगरी चौक और दूसरा जाता है इधर पुलिस ग्राउंड की तरफ। उसके बाद आ गए हम लोग अंदर की तरफ आए और ये है सरजू बगीचा करके जगह है, थोड़े से अंदर से पड़ता है, तो वहाँ आए और ये सीधा निकलता है तेली पारा के लिए। तो उसके बाद यहाँ का व्यू देख सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा सजा हुआ है यहाँ का भी। तो यहाँ जो सजाए थे वो बरगद का झाड़ वाड़ टाइप का बनाए थे स्टेज को, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था देखने पे। तो आप नाम देख सकते हैं वहाँ का, उन लोग का जो समिति है उनका, तो यहाँ का वीडियो बनाया बहुत अच्छा था। और इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो इसके थोड़ा सा वीडियो अच्छे से बनाए यहाँ। और नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी नए नए वीडियो आपको दिखाते रहता हूँ। तो इससे आगे अब हम लोग चले जाएंगे तेलीपारा की ओर चले जाएंगे, ये रास्ता है तेलीपारा जाने का आगे, तो इधर से हम लोग जाएंगे तेलीपारा। तेलीपारा हम जैसे जा रहे थे वहाँ एक बहुत बड़ा मूर्ति बैठा था, वहाँ पास भी जस्ट उसका विसर्जन का चल रहा था। तो यहाँ क्या है, बिलासपुर में 3 दिन से विसर्जन के लिए कार्यक्रम चालू कर देते हैं, तो जस्ट हमको रास्ते में मिल गया, विसर्जन हो रहा था, देख सकते हैं बहुत बड़ी मूर्ति थी और ढोल ताशे के साथ जा रहा था विसर्जन के लिए। तो अभी यहीं जस्ट हम देखने चाहे थे और इसको देखे और फिर आगे बढ़ गए। तो ये है तेलीपारा जाने का रास्ता और एक है बस स्टैंड जाने का रास्ता, तो हम सीधा चले गए बस स्टैंड की ओर और उस उधर से आगे अब देखेंगे कि और कहाँ बिलासपुर में सबसे अच्छा बैठा हुआ है। और आप डिसाइड कीजिएगा कमेंट करके कि आपको कौन सा जगह का ज़्यादा से अच्छा लगा मूर्ति, तो ज़रूर कमेंट करके आप मेरे को बताइएगा। ये है राजू प्लाजा के सामने से बस स्टैंड की तरफ जाने का रास्ता है, जो एक जाता है रेलवे तरफ और एक जाता है गांधी चौक की तरफ। तो अभी जाएंगे हम लोग गांधी चौक की तरफ और ये है जस्ट हम पहुंच गए डीपी कॉलेज के सामने में, जस्ट एक और बैठा था मूर्ति, तो उसके सामने में पेट्रोल पंप है, ये डीपी कॉलेज के जस्ट सामने में है। तो जो जो आप डीपी कॉलेज में पढ़ते हैं वो कमेंट ज़रूर करिएगा कि वहाँ का आपको कैसा लगा है मूर्ति और कैसे किस टाइप का व्यवस्था है वहाँ का। तो ये मेन रोड पर बैठाए हैं साइड पर, तो देख सकते हैं आप। और ये है पेट्रोल पंप और ये पेट्रोल पंप के बगल में जस्ट डीपी कॉलेज है। तो हम लोग इधर से अब आगे की बढ़ेंगे गांधी चौक की ओर। और गणेश जो है कि हमारे बिलासपुर में बहुत कम बैठाया जाता है, इसके लिए रायपुर बेस्ट है और हमारे यहाँ दुर्गा ज़्यादा बैठाया जाता है। तो आप ज़रूर यहाँ नवरात्रि के सीज़न में अगर घूमना चाहते हैं तो बिलासपुर ज़रूर एक बार आइए और देखिए यहाँ का जो होता है। उसके बाद हम लोग आ गए जस्ट ये बावली कुआँ बोलते हैं उधर आ गए, तो ये जस्ट गांधी चौक से आगे आए और ये गोल बाज़ार का एक रास्ता जाता है और एक जाता है ये गांधी चौक की तरफ जाता है और इस साइड जाता है गोल बाज़ार, तो इसे बावली कुआं बोलते हैं और उसी में बैठाया जाता है। ये है गोल बाज़ार जाने का रास्ता और उसी में एक मूर्ति बैठाया गया था, बहुत अच्छा था, तो उसको भी हम लोग वीडियो में लिए और उसके बाद फिर आगे बढ़े। तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा मेरे को। और उसके बाद थोड़े से आगे आए तो हम आ गए फिर सीधा तेलीपारा, तो ये तेलीपारा काली मंदिर के पास जस्ट सामने में बैठा है, काली मंदिर है, उसके जस्ट बगल में एक और बैठाए हैं मूर्ति, तो वहाँ भी देखे और वहाँ भी काफ़ी भीड़ था, पब्लिक आ रही थी देख के जा रही थी, तो ये भी बहुत अच्छा था। और इसके बाद जस्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे काली मंदिर के बाद चले जाएंगे, सामने से जाता है खपरगंज का रास्ता है, तो मैं अभी जस्ट दिखाता हूँ आपको। तो ये है खपरगंज जस्ट सामने से जाने का, मेन गेट पे लगा हुआ था बोर्ड और उसी से अंदर गए, तो वहाँ भी देखे कि बहुत अच्छा उन लोग भी बैठाए हैं सामने में। तो ये मेन गेट है, ये निकल जाता है आपका सीधा, एक जाएगा मध्य नगरी चौक की तरफ जाएगा और दूसरा जाता है आप गोल बाज़ार भी जा सकते हैं इधर से। तो मैं रुक के यहाँ दिखाता हूँ आपको, ये भी काफ़ी अच्छा पंडाल बनाया था इनका और जो वहाँ जस्ट प्रसाद वितरण हो रहा था, तो मेरा फ्रेंड था वो खाने चला गया, तो यहाँ भी रुके और वीडियो बनाए। तो देख सकते हैं काफ़ी भीड़ भी था, चारों तरफ लोग थे और वहाँ हो सकता डांस वांस का कार्यक्रम चल रहा था। तो इधर के बाद हम लोग चले जाएंगे, प्लान किए थे कि गोल बाज़ार तरफ होते हुए जाएंगे, तो जितने भी बिलासपुर में बैठे थे वो सारे जगह हम कैप्चर करने वाले थे कि बड़े बड़े जो स्थानों पे बैठा हुआ था
वहाँ जाएंगे और वीडियो बनाएंगे बोल के। तो ये जाता है मध्यनगरी की ओर, सीधा निकल जाएंगे और सामने में जो दिखा है वो गोलबजा वहाँ जाता है, तेलीपारा जाता है वो सामने रास्ता। तो अब हम आ गए सीधा गोल बाजार। ये है गोल बाजार का गोल बाजार में खोआ मंडी, खोआ मंडी जो अंदर में जो खोआ बिकता है ना उधर अंदर में है ये। तो ये एक रास्ता जाता है पंजाब स्पोर्ट्स की तरफ और दूसरा जाता है सीधा खोआ मंडी के निकल के सीधा लाल बहादुर की ओर जाएंगे। तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा पंडाल बना था, बड़ी सी मूर्ति बैठी थी, तो वहाँ भी अपन वीडियो बनाए रुके और काफ़ी अच्छा था वहाँ का स्टेज का जो सजावटी था वो बहुत अच्छा लगा। तो वहाँ रुके और उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा, यहाँ भी ये जाता है आपका सीधा निकल जाएगा लाल बहादुर स्कूल के सामने निकलता है खोआ मंडी। ये यहाँ पास अगर आपको खोआ जैसे चाहिए तो बहुत लोग आते हैं मिठाई के लिए, यहाँ पास आ सकते हैं। उसके बाद हम लोग सीधा निकल गए सनिचरी बाजार। तो ये सनिचरी बाजार जस्ट सनिचरी ही ये आपको दिखा सकता हूँ, लाल बहादुर जस्ट सामने में है और ये सनिचरी बाजार है। यहाँ भी काफ़ी अच्छा पंडाल बनाया था और ये सजावटी और स्टेज भी अच्छे से बनाए थे इन लोग झांकी जैसे। तो ये देख सकते हैं काफ़ी अंदर में बैठाए थे मूर्ति, तो ये काफ़ी अंदर में गणेश जी की मूर्ति बैठाए थे। और ये देख सकते हैं ये कुछ डिफरेंट टाइप का बनाए थे, आप मूर्ति को देख सकते हैं। तो ये यहाँ पास ये करेक्ट लोकेशन है सनिचरी बाजार, करेक्ट सनिचरी बाजार के जो चौक होता है ना चौक के साइड में ही बैठा था। सामने में अगर देखेंगे तो फ्रंट लाल बहादुर स्कूल का एक सामने गेट होता है वो वहाँ से दिखेगा आपको गेट। तो इसके बाद हम लोग चले जाएंगे रपटा। तो ये जस्ट आगे से हम लोग रपटा पुल के लिए निकल गए। तो ये है चौक है सनिचरी का चौक और नीचे आते हैं तो इस साइड में पड़ेगा आपको रपटा पुल, उस साइड में ही बैठाए हैं ये देख सकते हैं आप, इधर से रपटा जा सकते हो। तो रपटा भी रात में काफ़ी अच्छा दिखता है, लाइटिंग वगैरह अच्छा है बिलासपुर का। तो साइड में भी नया चौपाटी बना है, तो अपन प्लान था कि उधर एक बहुत बड़ी मूर्ति बैठती है वहाँ देखने जाएंगे, लेकिन इस साल वहाँ शायद तक किसी वजह से नहीं बैठाए हैं तो हम लोग आगे चले गए। तो आपको मैं दिखाता हूँ ये चौपाटी है, ये रपटा वाला चौपाटी है। यहाँ बिलासपुर में अभी दो तीन चौपाटी अलग अलग बड़े बड़े बन चुके हैं, काफ़ी अच्छा है। तो अगर बिलासपुर घूमना आना है तो शाम को ज़रूर दो तीन है चौपाटी वहाँ घूम लीजिएगा। तो यहाँ स्ट्रीट फूड सारे चाइनीज़ आइटम आपको मिल सकता है खाने के लिए शाम को अगर आएंगे तो। ये चौपाटी है सनिचरी वाला जो चौपाटी बता रहा हूँ वो, और यहीं जो विसर्जन होता है इसी के आगे जस्ट होता है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है ये रास्ता, ये आगे को जस्ट पचरी घाट बोला जाता है। तो पचरी घाट पे जो विसर्जन का बिलासपुर नगर निगम की तरफ से बनाए रहते हैं कि आप विसर्जन वहाँ कीजिएगा, तो दुर्गा के टाइम पे और गणेश अभी चतुर्थी चल रहा है तो सारे विसर्जन यहीं होते हैं बिलासपुर का जो भी ये साइड से गली गया है यहीं से रास्ता होता है। तो हम लोग आगे चले जाएंगे और आगे ये पहुंच जाएंगे हम लोग जूना बिलासपुर की रास्ता ही है, ये पचरी घाट बोला जाता है इसको जस्ट। यहाँ भी एक विसर्जन के लिए आ ही रहा था, तो अभी ये आज है धीरे धीरे यहाँ तीन दिन का टाइम रहता है तो तीनों दिन से यहाँ से विसर्जन चालू हो जाता है। तो ये हम लोग जूना बिलासपुर की तरफ आगे बढ़ गए हैं और यहाँ भी एक जस्ट साइड में एक और मूर्ति स्थापित है, यहाँ भी देखेंगे ये रास्ते पर ही था और इससे आगे एक और था। तो आप ये अगर सीधा आप जाइएगा तो जूना बिलासपुर पहुंच जाएंगे चौक पे, और एक जाता है चौक पे फिर लाइफ केयर हॉस्पिटल है सामने में और दूसरा तरफ गांधी चौक के लिए निकल जाता है। तो ये एक बड़ी मूर्ति थी यहाँ भी स्थापित किए हैं और ये देख स्टेज देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ रुके और वीडियो बनाए, ये आप इस साइड से सीधा चले जा सकते हैं, सनिचरी शॉर्टकट रास्ता पड़ता ही है। तो नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा नए नए वीडियो देखने के लिए और सपोर्ट करने के लिए कमेंट भी कीजिएगा मेरे वीडियो पे। और उसके बाद हम लोग आ गए सीधा गोड़पारा। तो ये गोड़पारा में आप देख सकते हैं बीच में एक मूर्ति बैठी है और स्थापित किए हैं इन लोग। तो ये भी काफ़ी अच्छा पंडाल था और ये इधर से आते हैं सनिचरी और ये चले जाएँगे सीधा हम लोग सिम्स की ओर, ये साइड ये रास्ता जाता है सिम्स चला जाता है और सेकेंड चौपाटी यही पास है थोड़े से आगे में है, मैं उसको भी आपको दिखाऊँगा वीडियो पर। तो ये स्टेज इन लोग का काफ़ी अच्छा बनाए हुए थे, तो आप डिसाइड कर लीजिएगा सारे वीडियो देख के कि आप फर्स्ट इनाम किसको देना चाहते हैं और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि आपको बिलासपुर का सबसे अच्छा कौन सा लगा। मैं सारे जगह का आपको नाम बता दे रहा हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये सेकंड चौपाटी है जो पड़ता है सिम्स के सामने,
तो रात में ये भी काफ़ी अच्छा रहता है और भीड़ रहता है। अगर बिलासपुर है तो ज़रूर यहाँ भी घूमने आ सकते हैं। और ये है वहाँ का रिवर व्यू, तो ये चौपाटी थोड़ा सा आगे में रिवर व्यू है, वहाँ भी आप अगर रुक के कुछ खाना चाहते हैं तो ज़रूर वहाँ आ सकते हैं। तो रात में आप देख सकते हैं लाइटिंग काफ़ी अच्छी है और पब्लिक भी बहुत रहती है, आराम से भीड़ भाड़ रहता है, तो आप आ सकते हैं। हम लोग समथिंग 9, 9:30 बजे घूम रहे थे, तो इसके बाद हम लोग जाने का प्लान है, सरकंडा जाने का है। तो इधर तो सिटी में और कुछ जगह नहीं बैठे थे, छोटी मूर्तियाँ थी, तो उधर हम ना जाके सीधा सरकंडे की ओर जाएंगे। तो ये आ गया हम लोग सरकंडा, इसको बोला जाता है न्यू सरकंडा बोला जाता है। तो ये सेकेंड पुल जो पड़ता है रिवर व्यू के बाद, उससे रास्ता जाता है, तो उस रास्ते से हम लोग सीधा आ गए। एक सीधा जाता है सीपत चौक की ओर, तो इधर से हम लोग आए हैं। और ये सामने की बहुत बड़ी स्टेज बनाया था बढ़िया सा, ये जाता है सीपत चौक की ओर, जस्ट थोड़ा सा आगे में बोर्ड दिख रहा है, वो सीपत चौक है, तो इसे न्यू सरकंडा बोला जाता है। तो यहाँ का भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा स्टेज बनाए थे, और मखमल का जो पूरा रहता है ना वेलवेट का कपड़े से बना हुआ था स्टेज, तो काफ़ी अच्छा दिख रहा था, लाइटिंग भी बहुत अच्छा था, कलर भी बहुत अच्छा था। तो इसके बाद चले जाएंगे हम लोग नेहरू चौक की ओर जाएंगे, सीपा चौक में तो खाली था, तो उसके बाद नेहरू चौक आ गया। जस्ट नेहरू चौक के थोड़े से आगे में एक और मूर्ति स्थापित था, रास्ते में ही था, तो वहाँ भी रुके हम लोग। और ये इधर से आते हैं नेहरू चौक, तो ये जस्ट थोड़ा सा नेहरू चौक के आगे आएंगे तो जस्ट पड़ता है सामने में। और इधर से हम लोग चले जाएंगे मुंगेली नाका, और मुंगेली नाका के बाद मंगला की आगे, मंगला की ओर है ये, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं रोड पे ही बैठा है, काफ़ी अच्छा है। और लास्ट में आ गए हम लोग ये आपका मुंगेली नाका पे, तो मुंगेली नाका पे भी बहुत अच्छी मूर्ति स्थापित किए हैं। और ये चौक है जस्ट मुंगेली नाका का, और इससे आगे मंगला पड़ेगा, तो उधर अभी एक भी स्थापित नहीं किए थे मूर्ति। ये सिटी के चारों तरफ मूर्ति स्थापित है, और इसके आगे अब खाली है पूरा। तो चलिए, ऐसे नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कमेंट कीजिएगा कि आपको कौन सी जगह का सबसे अच्छा लगा है, मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, आप पूरा कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए जितने भी हम लोग बिलासपुर के घूमे हैं, ये बिलासपुर के मुख्य जितने भी मूर्ति स्थापित किए हैं वो सारे जगह मैंने घूम के आपको वीडियो पर दिखा दिया, अगर कुछ छूटा है उसको भी आप कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताइएगा। और बिलासपुर के हैं तो यस करके डालिए कि किस जगह का मूर्ति छूट चुका है वीडियो में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो पर।